Zoom इस्कोटेको Zoom इस्कोटेको मैं और मिसेस खन्ना के म्यूजिक लॉन्च पार्टी में मौजूद ना होते हुए भी कटरीना कैफ ने करीना कपूर को ओवरशैडो कर दिया। लेकिन करीना के एक दूसरे इवेंट पर भी हुआ एक हादसा। इस इवेंट के बाद जब करीना बाहर निकल रही थी तब उनके फैंस की धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा करीना को। ये क्या हो रहा है करीना कपूर के साथ? भीड़ क्यों हो गई है इतनी बेकाबू बेबो की एक झलक पाने के लिए? आखिर क्यों करीना घबरा गई इतना ज्यादा क्राउड देखकर? ये नजारा है भरत एंड डॉरिस के मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड सेरेमनी का और इसी अवार्ड इवेंट को करीना अटेंड करके निकल रही थी। लेकिन जैसे ही करीना वेन्यू के गेट से बाहर आई मीडिया ने उन्हें सवाल पूछने के लिए घेर लिया। करीना मीडिया से बात करने की तैयारी कर ही रही थी तभी वहां शुरू हो गई धक्का मुक्की। ना जाने कहां से कुछ फैंस इस भीड़ में शामिल हो गए। और फिर जो हुआ उसे तो करीना शायद ही कभी भूल पाएंगी। करीना इस इंसिडेंट के बाद इतनी ज्यादा घबरा गई कि मीडिया से बात करे बिना ही सीधे अपने गाड़ी की तरफ भागी और चली गई। इस इवेंट पर करीना कपूर के साथ हुए इस इंसिडेंट ने उठा दिए हैं कुछ बड़े सवाल। पहला तो ये कि इतने स्टार स्टडेड इवेंट पर स्टार्स की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं था और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने करीना को वेन्यू के बाहर तक छोड़ने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम क्यों नहीं किया? जब करीना इस इवेंट में एंटर हुई तब तो ऑर्गेनाइजर्स ने बेबो को अच्छे से एस्कॉर्ट किया। लेकिन जब इवेंट के बाद करीना जाने लगी तब ऑर्गेनाइजर्स ने करीना को उनकी गाड़ी तक एस्कॉर्ट करने की जहमत तक नहीं उठाई। नतीजा ये कि करीना को इस धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, हर इवेंट और पार्टी में करीना का साथ देने वाले सैफ कहां गायब थे इस इवेंट से? बिकॉज वी आर श्योर कि अगर सैफ इस इंसिडेंट के वक्त करीना के साथ होते तो नजारा कुछ और ही होता। एक बात और, इस इवेंट पर शाहरुख खान भी मौजूद थे जो करीना के जाने से बस कुछ ही देर पहले निकल गए। अगर शाहरुख ही उस वक्त करीना के साथ मौजूद थे तो शायद इतनी भीड़ देखकर शाहरुख अपने सिक्योरिटी गार्ड करीना के साथ भेज देते, ठीक उसी तरह जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख ने अपना सिक्योरिटी गार्ड यासीन कतरीना कैफ के साथ भेज दिया था। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन करीना ये बैड एक्सपीरियंस तो कभी नहीं भूल पाएंगी। मगर अब से करीना को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।